मेरे तुम्हारे बीच में जो सात फेरों का रिश्ता था खत्म, जो भी था हमारे बीच में सब खत्म। चलो उनमें सगाई करते हैं। मुझे अपनी मॉम को देखने हॉस्पिटल जाना है। अब मैं भी साथ चलती हूँ। चलो। हाय हाय हाय, दोनों की किस्मत पर एक ही रंग चढ़ा है। एक ये पत्नी जिसका पति मौत की डोर अपने हाथ में लेकर खड़ा है, और एक ये पत्नी जिसका पति बने बनाए रिश्तों को मौत दे गया। देख लो, हमें ललकारा था ना। अरे हम वो बादल हैं जो बिना गरजे ही बरस जाते हैं, समझी? आज तो सिर्फ प्यार गया है, आगे देखो जिंदगी में क्या क्या जाता है। छीन ली ना इन दोनों से उनकी जिंदगी की थाली, पाताली देख थाली। मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। प्रार्थना, ये सब मेरे साथ ही क्यों हुआ? रुद्र ने मुझ पर विश्वास क्यों नहीं किया? क्योंकि उसकी आंखों पर झूठ की पट्टी बंधी हुई है। अनमोल की तरह उसे भी गलतफहमी हुई है। मिट जाएगी। नहीं मिटेगी माँ। तूने सही कहा, नहीं मिटेगी, हमें मिटानी होगी। देख, उम्मीद की डोर कभी मत छोड़ना। एक यही उम्मीद की डोर है जो तुझे रिश्तों तक ले जाएगी, और आसमान पे बैठे उस भगवान तक, उस भगवान तक जिस पे हमें अटूट विश्वास है। देखना, हमारे शिव जी अपने रुद्र नाम को सार्थक करेंगे और उसे ही तेरा सारथी बनाएंगे। देख, मैं जानती हूँ तेरे दिल में भी रुद्र के लिए थोड़ा थोड़ा प्यार जग रहा है। बहुत फिक्र है तुझे उसकी, इसीलिए तुझे रुद्र को जाकर सब कुछ सच बताना ही होगा। उर्वशी और पाताली ने जो चाल चली है उस चाल को पलटना होगा। उसके मॉम डैड के खिलाफ सबूत जुटाने होंगे तुझे। हाँ हाँ माँ, याद आया। मैं जब रुद्र को ढूंढने गई थी तब मैंने रुद्र की माँ को उस इंसान से बात करते हुए देखा, वही इंसान जिसने पापा पर वार किया था। मैं उस इंसान का चेहरा तो नहीं देख पाई, पर उसका चेहरा रुद्र की मॉम ने देखा है, इसलिए तो मैंने उसकी मॉम पर वार किया। इन लोगों ने बहुत बड़ा खेल खेला है। हमें लगा था कि इनका प्लान सिर्फ खजाना लूटने का है, पर नहीं, इसके पीछे उनका कोई बहुत बड़ा प्लान है। हमें जल्द से जल्द उस इंसान के चेहरे से नकाब उतारना होगा जिसने ऋषभ पर वार किया, क्योंकि इस सब का मास्टरमाइंड वही है। हाँ माँ, आप सही कह रही है। खेल जितना दिख रहा है उससे कई ज्यादा बड़ा है। हमें इसका तोड़ करने के लिए एक षड्यंत्र रचना होगा, लेकिन बहुत ध्यान से, क्योंकि वो अनजान चेहरा जो भी है उसकी नजर हमेशा हमारे ऊपर ही। माँ, वो दुश्मन हमारे घर में है, हमारे बहुत करीब है। बस हमें उसे ढूंढना है, और मैं ढूंढूंगी। ये मेरा वादा है आपसे, वो भी आज रात को। जिसने मेरे पापा पर वार किया है उसका चेहरा मैं सामने लाकर रखूंगी।
अपनी कामयाबी के नाम पे एक जाम हो जाए। नहीं नहीं, पाताली तभी पिएगी जब वो प्रथा पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी, टूट जाएगी। ऐसी बर्बादी के रास्ते पर तो वो चली ही गई है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम अपने असली मकसद में बहुत जल्द कामयाब हो जाएंगे। अरे उर्वशी जी, आपने प्रथा को ही देखा? कहीं दिख नहीं रही। अरे तुम कोमा में थे ना? मेरा मतलब तुम ठीक हो गए? हाँ, मिरेकल से। अब मिरेकल हो ही गया है तो मैं सोच रहा हूँ प्रथा को जाके सब बता दूंगी किसने मुझ पर वार किया। तो अगर आपको वो कहीं दिखती है तो मुझे जरूर बताइएगा। वो उर्वशी, ये जिंदा हो गया, अपने पैरों पर खड़ा भी हो गया और बोलने भी लगा है। को जा रहा है अपनी प्यारी सी प्रथा को सच्चाई बताने के लिए। तू जल्दी से फोन कर, कर और बता। हाँ। हेलो, गड़बड़ हो गई। ऋषभ ठीक हो गया है और वो तुम्हारा सच प्रथा को बताने जा रहा है। जल्दी कुछ करो। लग गया तीर निशाने पर, अब गुनेगार खुद ही अपना चेहरा दिखाएगा। तुझे कुछ पता चला? नहीं माँ, मैं पापा का रूप लेके ऑफिस गई तो थी, सबसे बात भी की, पर किसी को मुझे देख के कोई झटका ही नहीं लगा। हमारा वो रास्ता आखिर है कौन, वो सामने आ जाएगा। मैं ऋषभ का रूप लेके उर्वशी और पाताली को मिलने गई थी। वो लोग ऋषभ को देख कर बहुत डर गए थे और उन्होंने उस राजदार को फोन कर दिया था। अब ये नकाबपोश अपना नकाब हटा के हमारे सामने अपने आप ही आएगा। ये तो वही परछाई जो मैंने उस दिन रुद्र की मॉम के साथ देखी थी।
ये जल्दी ठीक नहीं हो सकते। आप पे मैंने इतना गहरा वार किया था और आप पे उसका कोई असर नहीं हुआ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। प्रार्थना, पर तुम्हारे पापा का कातिल मैं नहीं, कोई और है। वो नकाबपोश, वो राजदार दुश्मन तुम हो। हमारी अपनी होके हमें धोखा दिया, ऐसा क्यों किया अनमोल? तो तुमने मेरे साथ चाल चली, इतनी बड़ी चाल चली। चाल तो तुमने चली है अनमोल, तुम्हारे पापा ने तुम्हें कितना प्यार किया और फिर भी तुमने उनके पीठ पर छुरा घोंपा। एक बार सोचा जब ये बात माँ को पता चलेगी तो उन पर क्या बीतेगी, पर उन्हें बताना तो पड़ेगा ही। मुझसे बड़ी गुनहगार तो तुम उनकी हो और अब वही तय करेंगी, क्योंकि उनका हक बनता है कि तुम्हें क्या सजा दी जाए। प्रार्थना, प्रार्थना मेरा हाथ छोड़ो, प्रार्थना। मॉम, मॉम देखो नहीं क्या? बस करो अपने यह नाटक। अनमोल, तुम्हारा राज सबके सामने खुल चुका है। माँ, ये वही गुनहगार है जिसने पापा पर हमला किया था। प्रार्थना, तुझे गलतफहमी हो रही है, अनमोल ऐसा कभी नहीं कर सकती। नहीं, इसी ने किया है। क्या हो गया तुझे प्रार्थना? हाथ छोड़ इसका, हमेशा गलतफहमी का शिकार होती रहती है। इस बार कोई गलतफहमी नहीं है, मैंने खुद ने सुना है इसको रुद्र की माँ से बात करते हुए। इसी ने हमला किया है पापा पर। मैं कभी नहीं मान सकती कि अनमोल ऐसा कुछ करेगी। अनमोल, तू किसी और का नाम भी ले लेती ना तो शायद मैं मान जाती, पर अनमोल कभी नहीं। अनमोल तो खुद से भी ज्यादा ऋषभ से प्यार करती है, करना तो दूर वो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती। तो आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा ना? तो ठीक है, ये खंजर वही खंजर है जिससे पापा पर वार हुआ था, और ये खंजर इसके पास था। ये खंजर इसके पास क्या कर रहा था? हम ये झूठ बोल रही है, मैं ऐसा नहीं कर सकती, आपको तो पता है ना, ये कुछ भी बोल रही है, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती, आपकी परवरिश हुआ, कुछ भी बोल रही हो तुम। मम्मी झूठ बोल रही है, प्लीज आप इसकी बात पे भरोसा मत करना। और मैंने इसे रंगी हाथों पकड़ा है, विश्वास कीजिए मेरा। मॉम, आप मेरी बात पे विश्वास नहीं करोगे? नहीं, अनमोल ऐसा कभी नहीं करेगी, मुझे अनमोल पे पूरा विश्वास है। मैं हूं ना, मैं तेरा विश्वास करती हूँ अनमोल। थैंक यू मॉम। मेरी माँ पर खरोच भी लगाने की हिम्मत भी मत करना। ऐसे क्या देख रहे हैं आप?
क्या लगा था आपको? आप मुझसे इतना बड़ा झूठ बोलेंगी, इतनी बड़ी बात छुपाएंगी और मैं कुछ नहीं बोलूंगी? क्या लगा था आपको आप मेरे जरिए इस लड़की यानी कि आपकी अपनी बेटी को इस घर में लाएंगे और मेरे प्यार से शादी करेंगे और मैं कुछ नहीं बोलूंगी, चुपचाप बैठ के तमाशा देखूंगी? नहीं, मुझे सच पता चल गया। मिसेस प्रथा ऋषभ गुजराल। अनमोल, ये सब सच नहीं है। मुझे, ऋषभ को हमें नहीं पता था कि हमारी बेटी बदल गई है। हमेशा तुझे अपना समझ के ही पाला है। ये सब एक इत्तफाक है। कोई इत्तफाक नहीं था माँ। ये सब एक सोची समझी साजिश थी। हाँ। इन्होंने मुझे आपकी बेटी से बदला और आप ही के घर में भेजा। देख अनमोल, तू गुजराल की नहीं, हमारी बेटी है। तुझे बचाने के लिए हमने तुझे प्रथा के घर में भेजा है। तू प्रथा की बेटी नहीं है, प्रथा की बेटी प्रार्थना है। तुझे नफरत करनी है उन दोनों से, दोनों नौगिन हैं, हमारे वंश के दुश्मन हैं और हमारे वंश को वो खत्म करना चाहते हैं, लेकिन हमारा जो वंश है ना, वो तुम्हारी रक्षा करना चाहता है, इसलिए इसलिए हमने बच्चों को बदल दिया। तेरी माँ की जिंदगी से तुझे निकालकर हमने अनमोल को वहां भेज दिया, और जिस प्रोफेसर को तू अपना बाप मानती थी वो तेरा बाप नहीं था, अनमोल का बाप था। उसे तो इस बात की खबर भी नहीं थी कि वो हमारे काल के वंश से है। मेरी बेटी सीमा का असली बेटा था वो, और वो भी हमारे साथ मिला हुआ था। पर अचानक उसे अपनी बेटी प्रार्थना से बहुत प्यार हो गया, वो तुम्हारी परवरिश करने में लगा था, हमारे रास्ते का कांटा बन गया था, इसलिए हमने उस कांटे को काट दिया। वो हमारी योजनाओं को बर्बाद करना चाहता था, इसलिए हमने हमने उसकी जिंदगी ही बर्बाद कर दी। लेकिन वो हमारे वंश का था, इसलिए उसकी बेटी अनमोल, अनमोल की जरूरत हमारे वंश को थी। पर क्या करे, इसे नागिनों से खतरा था, इसलिए नागिनों से बचाने के लिए हमने अनमोल को तेरे घर भेज दिया, ताकि जान लेने वाली नागिन खुद खुद इसकी रक्षक बन जाए। और तू बन भी गई, और फिर हमने तुम्हारी बेटी प्रार्थना को उस प्रोफेसर के घर पे भेज दिया। अब तो तू समझ ही गई होगी ना कि इतने सालों तक तू अपनी माँ से दूर थी, हमारी वजह से, हम लोगों की वजह से। वैसे किस्मत का खेल देखो, मैं फाइनली आज अपनी ग्रेट ग्रैंडमदर से मिल ली। मेरे डैड और सीमा दादी, हम लोग काल के वंश से, नाग लोग के दुश्मन वंश से। आपको तो याद ही होगी ना, नाग लोग की काल के वंश से दुश्मनी। मेरी बेटी, मेरी बेटी सीमा को तूने मौत के मुंह में डाल दिया, और तुझे क्या लगा तू ये सब कुछ करेगी और ये पाताली तमाशा देखती रहेगी, तुझे छोड़ देगी? नहीं, पाताली ने जाल बिछाया तुम नागिनों के लिए, और तू नागिन उस जाल में फंस गई। अनमोल को तेरे घर मैंने भेजा,
ताकि तू इसकी परवरिश करे, आंख बंद करके इस पर विश्वास करे, ताकि हम तुम्हारे इसी विश्वास का विश्वासघात करे, उसका फायदा उठा सके। और हमने फायदा उठाया भी। और तेरी बेटी प्रार्थना, हम इस पर नजर रखना चाहते थे, इसलिए हमने इसे उस प्रोफेसर के घर पर भेज दिया, ताकि पल पल की खबर हमें मिले। इंतजार कर रहे थे उस पल का जब ये शेष नागिन बनेगी। शेष नागिन। हर लाल चांद की रात को मेरे स्किन पे रैशेस आ जाते हैं। इसका तोड़ है मेरे पास। वहां देख, ये रास्ता वही जाता है। तुम्हें वो मंदिर मिल जाएगा और मुझे तुझे राहत। अनमोल, तुझे तेरे पापा ने कितना प्यार दिया था, फिर भी तूने उनके साथ ऐसा किया। अपने पापा पर वार? हाँ, किया मैंने वार। क्या करोगे? मार डालोगे मुझे? ओ नहीं, आप तो नागिन हो ना, तो डसोगे मुझे, तो डसो। आज आपकी दुश्मन और आपके पति की गुनेगार आपके सामने खड़े, तो मारो मुझे, डसो, दो सजा मुझे, मारो मुझे, मारो। ये क्या ना, मैंने तो आपको मुझे जान से मारने के लिए कहा था, और ये आपने तो मुझे ये भी स्लैप मार दी। नॉट फेयर। जान से मारो ना, सजा दो ना मुझे। ऐसे खड़े क्यों? जो मैंने गुनाह किया ना, आपके पति को मारे, सजा दो मुझे, मारो मुझे। ये गलती करने की कोशिश भी मत करना, वरना ये अनमोल आपकी अनमोल जान निकाल देगी। समझे आप? अनमोल, मेरी माँ को हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना, वरना मार दूंगी मैं तुम्हें। प्रार्थना, नहीं नहीं माँ, मुझे मत रोकिए। पहले इन कातिलों ने मुझसे मेरे पापा छीन लिए, फिर ऋषभ पापा पर हमला किया, फिर रुद्र, अब आप पे। बस, अब मैं और नहीं सहूंगी, मैं नहीं छोड़ूंगी। क्या करेगी, मुझे मारेगी? तो मार ना। वैसे रुद्र से बात हुई थी ना हमारी? रस्ते में है वो, गाड़ी चला रहा है, और शायद उसके पीछे एक ट्रक भी है जो हमने भेजा है। तो सोचो, अगर वो ट्रक 120 की स्पीड में जोर से जाके रुद्र की गाड़ी से टकराया तो क्या होगा? रुद्र का तो गेम खत्म, उसका तो चेहरा भी देखने लायक नहीं बचेगा। प्रार्थना, तो क्या करोगे? मुझे मारेगी या अपने अपने पति को बचाएगी? ओ सॉरी, एक्स पति को बचाएगी? कैसे बचाओगी दोनों को, बोल। जारी प्रार्थना, कुछ नहीं कर पाएगी। सो सैड। तू मुझे ज्यादा ललकार मत, तू जानती नहीं मैं कौन हूं। नागिन हूं मैं, नागिन, नागिनों की नागिन, श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ, शेष नागिन हूं मैं। और अगर मैं चाहूं ना, तो एक झटके में तेरी हस्ती इस दुनिया से मिटा दूं, और एक शेष नागिन और उसकी नागमणि की शक्ति तू जानती नहीं। और जब एक शेष नागिन अपनों को बचाना चाहे तो बचा के ही रहती है, इसलिए मैं अपने पापा और रुद्र को बचा कर ही रहूंगी। हे नागमणि, मैं आपका आवाहन करती हूँ, आपको आमंत्रित करती हूँ, जागृत होइए, मुझे अपनी शक्तियां दीजिए।
हे शिव जी, आज क्या हो रहा है? मेरी शक्ति इतनी कमजोर क्यों हो रही है? आपकी नागमणि मेरा साथ क्यों नहीं दे रही? प्रार्थना, क्योंकि तेरे शिव जी की नागमणि तेरे पास है ही नहीं। नागमणि की शक्तियों के बिना शेष नागी तो किसी काम की नहीं। यही नियम है ना आपकी नागलोक का प्रथा? प्रार्थना, तेरी नागमणि तेरे पास नहीं है, ये झूठ बोल रही है। नागमणि मेरे पास ही है, बस पता नहीं मेरे वार खाली क्यों जा रहे हैं। क्योंकि वो नागमणि नकली है और असली नागमणि वहां है। सोच रहे होंगे कि ये नागमणि प्रार्थना के अंदर से निकल के वहां कैसे पहुंची। तो ये मैंने किया, ये मेरी एक साजिश थी। फाइनली मेरा आइडिया काम कर रही है। निकाल दी प्रार्थना ने अपनी नागमणि। नहीं होगी तुम दोनों की ये पूजा पूरी, कभी भी नहीं। नहीं, मैं तुम दुश्मनों को नागमणि नहीं लेने दूंगी। नागमणि शिवजी की धरोहर है और वो मैं तुम लोगों के गंदे हाथ नहीं लगने दूंगी। मणि को हाथ लगाने की कोशिश भी की ना तो तुम्हारा पति सीधा ऊपर। देख अनमोल, ऋषभ के साथ ऐसा वैसा कुछ मत करना। पता ऋषभ कहाँ है? बता दूंगी, पहले डिसाइड करो कि तुम्हें तुम्हारा पति चाहिए या फिर वो मणि। क्योंकि तुम्हारा पति तब तक ही जिंदा जब तक वो मणि हमारे पास है। अब तुम दोनों कुछ नहीं कर सकती हो, हार गई हो। क्योंकि जब तक नागमणि वहां है ना, तुम दोनों हमें मार नहीं सकती और किसी भी शेष नागिन की शक्तियां उस नागमणि के आसपास काम भी नहीं करेगी। तो वैसे देखा जाए तुम दोनों अब इस मंजर पे हो कि तुम किसी का भी कुछ बिगाड़ नहीं सकती हो। नागमणि हमारे घर में और नागमणि की एक सीमा होती है, कोई भी नागिन अब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, कुछ भी नहीं। और हमारी रक्षा मणि खुद करेगी। अगर तुम्हें हमें मारना है तो तुम्हें हमें घर से बाहर भेजना होगा, जो कि हम जाएंगे नहीं। तो इस वक्त तुम दोनों एक मामूली सी नागिन, क्योंकि तुम दोनों की सारी शक्तियां तो वहां पे हैं। तो आप गलती से भी उस नागमणि को छूने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो तुम दोनों अपने अपने पतियों से हाथ धो बैठोगे। अनमोल, देख ऐसा मत कर। बता मुझे ऋषभ कहाँ है? वो तेरे पापा है, अपने पापा के साथ ऐसा मत कर। बता ना, ऋषभ कहाँ है? अनमोल, ऋषभ कहाँ है तुझे कभी पता नहीं चलेगा, लेकिन हाँ तेरी जगह कहाँ है ये तुझे आज अच्छी तरह पता चलेगी। निकल यहां से। थैंक यू नागिन, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए। नहीं।
तुम्हारा खेल खत्म। टाटा बाय बाय। अब ना तो कोई नागिन और ना ही कोई सर्वश्रेष्ठ नागिन तुम दोनों के पतियों को बचा सकती। मैंने अपनी बेटी को खो दिया, अपनी अनमोल को हमेशा के लिए खो दिया मैंने, और मेरे पति अपने ही घर में दुश्मनों से घिरे हुए हैं, और मुझे यही नहीं पता कि पूरे घर में मेरे पति को उन्होंने कहां पर कैद रखा है, और मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि नागमणि उनके पास है, और नागमणि जहां भी है उसके आसपास हम कभी वार नहीं कर सकते, और हम घर के अंदर भी नहीं जा सकते, और ना ही वो खुद से इस घर से बाहर आएंगे। अभी हम कुछ नहीं कर सकते। देखा जाए तो मेरे पापा ने मेरे साथ कभी कुछ गलत किया ही नहीं था, फिर भी मैंने उन्हें चोट पहुंचाई। शिवजी ने तो मुझे आशीर्वाद दिया था, मुझे एक नहीं दो दो पापा दिए थे, एक जिन्होंने मुझे पाल पोस के बड़ा किया और दूसरे जिन्होंने मुझे जन्म दिया, और मैंने क्या किया? मैंने उनके लिए कुछ भी नहीं किया, और अब मुझे कुछ करना भी नहीं है। अब मुझे और कोई बदला नहीं लेना। रुद्र का भी दिल दुखाया मैंने, ये जानते हुए भी कि मेरे भी दिल के किसी कोने में प्यार है उसके लिए, पर नहीं, आई तो थी मैं अपने प्रोफेसर पापा का बदला लेने, पर किया तो सब कुछ गलत, बस एक गलती के बाद दूसरी गलती, गलती के बाद गलती। जिन्होंने मुझे सबसे ज्यादा प्यार दिया मैंने उन्हीं का दिल दुखाया। शायद मैं इस प्यार के लायक ही नहीं हूं, शायद मैं ही अशुभ हूं। अब मैं अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाऊंगी। प्रार्थना, मैं यहां से चली जाऊंगी और वापस कभी नहीं आऊंगी। प्रार्थना, कहां जा रही है? प्रार्थना, अभी तो मैंने देखा था एक लड़की मेरी गाड़ी से टकराई थी, पर यहां तो कोई नहीं है। प्रार्थना, हे शिव जी, क्या करूं मैं, कहां जाऊं? प्रार्थना, आंखें खोल बेटा, आंखें खोल प्रार्थना, आंखें खोल प्रार्थना बेटा, आंखें खोल। तू एक नागिन है प्रार्थना, और एक नागिन की मर्जी के बिना एक खरोच तक उसे छू नहीं सकती, तो फिर तेरे साथ ये सब, तूने ऐसा क्यों किया प्रार्थना? मैं जानती हूं ये भी कोई आपका इशारा है नानी, ये भी जानती हूं कि इस पायल के रक्षक आप ही है, पर ये नहीं जानती कि इस पायल का राज क्या है।
इस पायल का प्रार्थना की बैग में मिलना, प्रार्थना को यहाँ लाना, दूसरी पायल का यहाँ मिलना, ये सब क्या है? जो भी राज है मुझे पता करना है। ठीक हो गई? कैसे? नानी के पायल से। माँ, ये पायल तो मैंने पहले भी देखी थी जब मैं इस मंदिर आई थी, और शेष नागिन बनने से पहले भी मैंने ये पायल पहनी थी। शायद ये भी हमारे मिलने का इंतजार कर रही थी, पर कहानी इस बार कुछ और है। क्या है? इस बार कहानी बदले की नहीं है, ये कहानी दुश्मनी की है। ऐसा कोई राज है जो इन्होंने हमसे छुपा के रखा है, जिस वजह से मेरी नानी की जान चली गई थी। पर वो राज क्या है वो पता लगाना होगा, और मैं जानती हूँ कि नानी चाहती है कि तू वो राज पता लगाए, तू उनका बदला ले। मैं और बदले नहीं ले सकती। नहीं प्रार्थना, तुझे वो बदला लेना होगा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि नानी चाहती है कि उनका अधूरा काम हम पूरा करें। वो लोग मेरे पति को ले गए तो मैं तो उन्हें नहीं छोड़ूंगी। करोड़ों सालों पहले जो दुश्मनी इन्होंने शुरू की थी, उस दुश्मनी को मैं निभाऊंगी। और प्रार्थना, तू एक नागिन है, तेरी रगों में सालों से नागिन का खून बह रहा है, और नागलोक की औरतें एक लड़ाई से कभी पीछे नहीं हटती। प्रार्थना, जिस दुश्मनी के लिए मेरी नानी ने अपनी जान को बलिदान दिया है, उसे हम ऐसे जाया नहीं होने देंगे। इन लोगों से मैं बदला लूंगी, और ऐसा बदला लूंगी कि सब देखते रह जाएंगे। प्रोफेसर की मौत का बदला, मेरे पति का बदला, उस हर एक दुख दर्द का बदला लूंगी मैं। देख प्रार्थना, हमारे दुश्मनों के चेहरे देख। अब बदले का वक्त आ गया है। पर ये बदला हम कैसे लेंगे माँ? हम तो उस घर के अंदर जा भी नहीं सकते। या तो वो लोग घर से बाहर आए, या हम अंदर जाए, मौत तो उन्हीं की होगी। पर माँ, हम उन्हें नहीं मार सकते। अगर हम किसी और का रूप लेके उस घर के अंदर जाते भी हैं, तब भी हम नागिन उन्हें मार नहीं पाएंगे, क्योंकि उस घर में हमारा नागमणि है। हम उन्हें नहीं मारेंगे, वो लोग ही एक दूसरे को मारेंगे।